केरल के वायनाड लोकसभा सीट से शानदार जीत हासिल करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार 12 जून को केरल पहुंचे, जहां उन्होंने मलप्पुरम के एडवन्ना में रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में यूडीएफ कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। उन्होंने राहुल के समर्थन में जमकर नारेबाजी की, वहीं नवनिर्वाचित सांसद ने भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद राहुल का राज्य में ये पहला दौरा है। वायनाड से राहुल गांधी ने लगातार दूसरी बार शानदार जीत दर्ज की है, जिसके बाद वो लोगों का आभार जताने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मलप्पुरम के साथ ही राहुल वायनाड का दौरा भी करेंगे, साथ ही वहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मलप्पुरम में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर मौजूद सभी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं राहुल ने भी अपनी प्रचंड जीत के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के दौरान जिन लोगों ने उनका समर्थन किया, वो उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि देश की परंपरा और इतिहास की रक्षा संविधान करता है। उन्होंने कहा कि अगर संविधान खत्म हो गया था तो यहाँ आने वाले लोग कहेंगे कि वो मलयालम को नहीं सुनना चाहते, ना ही यहाँ के खाने और यहाँ की परंपरा को मानेंगे। इसके आगे राहुल ने कहा कि इस बार का चुनाव संविधान को बचाने के लिए था। उन्होंने कहा कि एक तरफ देश के वो लाखों लोग थे जो परंपरा, इतिहास, संस्कृति से प्यार करते हैं और अपना भविष्य खुद तय करना चाहते थे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह थे जो कहते थे कि नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम और शाह चाहते थे कि अगर वो चाहेंगे कि केरल के लोग हिंदी बोलें तो उन्हें हिंदी ही बोलना पड़ेगा। अगर वो चाहेंगे कि तमिल लोग तमिल छोड़कर हिंदी बोलें तो क्या उन्हें ऐसा ही करना पड़ेगा? राहुल गांधी ने कहा कि पीएम और शाह के पास राजनीति पावर था। उनके पास ईडी, सीबीआई, आईटी, जिससे वो लोगों पर हुक्म चलाते थे, लेकिन केरल, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश की जनता ने उन्हें बता दिया है कि वो किसी पर हुक्म नहीं चला सकते। इसके साथ ही जनता ने उन्हें ये भी बता दिया कि संविधान उनकी आवाज़ है, इसे हाथ मत लगाना। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी के नेताओं ने संविधान को बदलने की बात कही, ये पावर का घमंड था। इससे पहले मंगलवार 11 जून को राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी जीत के लिए सभी का धन्यवाद किया। इस दौरान उनके साथ बहन प्रियंका गांधी मौजूद थी। रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। यहां से इस बार राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरे थे। वायनाड से और रायबरेली दोनों जगह से ही राहुल ने प्रचंड जीत दर्ज की है। अब ऐसे में राहुल के सामने दोनों लोकसभा सीटों में किसी एक सीट को चुनना बड़ी चुनौती है। माना जा रहा है कि आज वायनाड में इस पर फैसला कर सकते हैं।